वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग गेम एक्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। हमारी जो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है डायनामो को लेकर। तो आप लोगों को भी पता ही है काफ़ी सारे र्यूमर्स थे कि जो गेम है वो हमें वापस देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो डायनामो है उनसे पूछा गया था कि जो गेम है वो हमें कब तक कमबैक करता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें उन्होंने बात करी थी गेम के बारे में, कुछ अपडेट्स उन्होंने दी थी, उन्होंने बताया था कुछ चेंजेस के बारे में जो कि हमें देखने को मिलने वाले, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। गेम कब आएगा ब्रो? भाई देखो, गेम का तो कह तो रहे थे कि गेम आएगा अप्रैल में चल रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे अप्रैल में। तो देखो, आधा अप्रैल तो निकल चुका है, मतलब आज 15th है ना, आई गेस तो 15th है, तो आधा अप्रैल तो निकल चुका है और 15 दिन, इस 15 दिन में कभी भी गेम आ सकता है। और अगर इस 15 दिन में गेम नहीं आया तो फिर मई में आ सकता है। देखो, हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं यार, हम लोग इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कहीं पे धरना नहीं दे सकते हैं कि हमें गेम चाहिए, राइट? भूख हड़ताल नहीं कर सकते आप, तो बढ़िया प्यार से रहो, एकदम बढ़िया वेट करो। ऐसे भी इतना ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ रहा है, गेम चल ही रहा है, लोग खेल रहे हैं, स्क्रिम्स हो रहे हैं काफ़ी, यू नो, आप भी अपना नॉर्मल रैंक पुश कर रहे हो। एक छोटा फ़र्क आ सकता है कि जो नए अपडेट्स आएंगे ना, वो नए अपडेट्स में आपको नई नई चीज़ें देखने मिल जाएगी, आपको नई स्किन्स देखने शायद मिल सकती है, आपको नया रॉयल पास देखने मिल जाएगा, आपको नया एकदम रेगुलर ना। हाँ, तो आपको काफ़ी कुछ नया नया देखने मिल सकता है, लाइक नई स्किन, नया रॉयल पास, यू नो। अब ऐसा मैं सोचता हूँ, अब मुझे पता नहीं कि जब एकदम से गेम आएगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे उसमें, राइट? बिकॉज अभी बहुत सारे चेंजेस हुई है। जलेबी वाईटी, थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप, क्या हालचाल। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि अभी गेम में ना काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जो अभी जो गेम आएगा ना, इसमें जो चेंजेस दिए सरकार ने, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी चेंजेस है उसमें। आई थिंक कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा सा, राइट? मतलब बहुत सारे चेंजेस है, तो वो भी आने के बाद ही पता चलेगा, या तो आने के बाद पता चलेगा, या तो फिर क्राफ्टन खुद ही, यू नो, अपने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करके बताया कि गेम आ रहा है इस तारीख को एंड इस चेंजेस के साथ गेम आ रहा है, ऐसी ऐसी नई नई चीज़ों के साथ चेंजेस हुई है, तो ऐसी नई नई चीज़ों के साथ गेम आ रहा है। तो जैसे हम अपडेट लॉग्स पढ़ते हैं, वैसे अपडेट लॉग्स में अगर वो बताएंगे तो तब पता चलेगा। एंड इसके बाद जो हेक्टर है उन्होंने रिवील किया था कि काफ़ी सारे न्यू स्टेट के इवेंट चल रहे हैं, एक न्यू स्टेट के इवेंट के लिए उनको ऑफर भी आया है दूसरी ऑर्ग से, बट वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न बताते हुए उन्होंने क्या बोला, वो आप लोग देख सकते हैं। एनएस टूर्नामेंट के चैट में अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि एसटीएल प्लेयर फॉर टू है, बट वी ऑल नो हु इज ही। हाँ, वी ऑल नो। अभी गाइस 1-10 लाख का टूर्नामेंट आ रहा है ना शायद एनएस में, बैक टू बैक दो टूर्नामेंट होके गए ना, ऑफर तो आया है बट सैलरी नहीं दे रहे, तो खेल के मतलब नहीं है। आ जाए एनएस खेलते हैं भाई, करवा दे जेनेसिस में, अब भी आ जाऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को लेकर। तो जो गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स है उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने डिफीट कर दिया है सिंगापुर को, एंड उन्होंने यार अपने स्पॉट बना लिया है फीफा ई नेशन कप प्ले ऑफ में। एंड यार आप लोगों को भी पता ही है, बैक टू बैक जो ट्रॉफीज हैं वो हमें देखने को मिल रही है गॉड लाइक की साइड से। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है यश भानुशाली को लेकर। तो उनसे किसी ने पूछा गया था इफ़ यू कुड एड वन फ्रेंचाइज प्लेयर टू योर रोस्टर हु वुड इट बी, एंड इस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए एस के रोसी लिखा था, एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है, जो हस्तर है वो पहले ओजी का पार्ट थे, बट उनका फेयरवेल पोस्टर में कुछ दिन पहले देखने को मिला था। एंड इससे पहले वो SA12 का पार्ट थे, तो काफी लोग उनसे ये चीज पूछ रहे थे कि आप SA12 को दोबारा से ज्वाइन करने वाले हो, एंड इसमें उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। SA12 हस्तर पॉसिबल अगेन? नहीं यार भाई, पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार वो, नहीं हो पाएगा यार, पॉसिबल समझा करो ब्रो थोड़ा, मेरा कोई वो सीन थोड़ी ना है कि यार जहाँ से निकले वहाँ पे नहीं जाएंगे वापस, ऐसा कोई सीन तो है नहीं, बट पॉसिबल नहीं है ब्रदर, विश मैं आपको बता पाता यार। भाई आप एक बार बोल कर तो देखो, थक गए गोल्डी भाई, वापस ले लेंगे आपको। लिटरली बता रहा हूँ, इट्स लाइक देयर आर सम सीन्स ब्रदर, वरना पक्का कुछ करते हैं। सच्ची बात, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इस बार ट्रस्ट भी ब्रदर। फ्यूचर विल यू जॉइन एनी ऑर्ग? गेमिंग ऑर्ग तो पॉसिबल नहीं लग रहा यार, क्योंकि गेमिंग ऑर्ग ज्वाइन करने के बाद
यार 5-6 महीने के बाद अनसर्टिनिटीज रहती है, उसके बाद में फिर भाई मेरे को अलग से हेट मिलता है, वो ही है। बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना।